हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स बीच चैनल। आज के इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपने कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग डील करते हैं, बात करते हैं, लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। जब हम बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मीन्स एक छोटे स्केल पर बात करना, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनकी जो चिप्स होती हैं वो सारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में आती हैं। और कितनी हैरानी की बात है, इंडिया आज भी अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाता। आज भी माइक्रो प्रोसेसर इंडिया में बाहर से ही लाया जाता है। ऐसा है क्यों है, रियलिटी क्या है इसके पीछे की, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास भी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर अगर हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है तो हम बाहर जाके भी ऐसी जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या, आपको कौन से कॉलेजेस को ऑप्ट करना चाहिए, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको अपना करियर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर बनाना है तो आप जो है आपको करना होगा बीटेक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फिजिक्स हो, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पढ़ाई जाती है। तो कोई ऐसा आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, सो दैट आप उसके बाद एमटेक परस्यू कर सकते हैं अपना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप 4 इंस्टीट्यूट जो मैं जानता हूँ वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका में है। तीसरा है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट का, जो कि केरला में है। और फोर्थ है जगदीश प्रसाद इंस्टीट्यूट, जो कि राजस्थान में है। ये 4 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि करवाते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइनिंग में। और इसके अलावा एक फिफ्थ नंबर पे और ऐड करूंगा जो कि मेरा फेवरेट है, विच इज़ IIT दिल्ली, जो कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में अपनी जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक करवाता है। इसके बाद ही आप अपना करियर जो है इसमें बना सकते हैं। अब जहाँ तक बात करूँ टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो करवाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं कराई जाती है, यानी कि बीटेक नहीं कराया जाता माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको परस्यू करना है एज अ करियर, तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, और उससे पहले आपको बीटेक करना पड़ेगा रेलेवेंट फील्ड के अंदर। या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी आप बीटेक का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद में आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जा सकते हैं। 12th क्लास के बाद बच्चों को JEE का एग्ज़ाम देना होता है, JEE का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बेसिस पे वो एडमिशन लेते हैं बीटेक में। इसी तरह से जब आप उनको बच्चों को एमटेक में एडमिशन लेना होता है तो उनको एग्ज़ाम देना होता है गेट का, GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। ये एग्ज़ाम जो होता है ईयर में एक ही बार होता है, और इसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन्स दिए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम IIT की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के अराउंड उसकी सैलरी होती है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस की क्लोज टू 4 लाख होती है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हैं तो। और जहाँ तक वैल्यू की बात है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि IITs की अपनी वैल्यू है। और बच्चों एक और बहुत बात है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि अगर हम बीटेक हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें तो क्या हम एमटेक जो है वो IIT से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, 10th क्लास तक किसी बच्चे ने किसी स्कूल से पढ़ा और 11th 12th में उसने किसी और स्कूल में अपनी कर लिया, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आप बीटेक जो है अगर आप किसी भी कॉलेज से करते हैं, आपको सिर्फ गेट स्कोर करना होता है, और गेट स्कोर करने के बाद में आप जो है आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में क्या प्लेसमेंट है, आप जान के बहुत हैरानी होगी। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एज अ करियर। 60 to 70% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है प्राइवेट कंपनीज का प्लेसमेंट है, और 90% से भी अबव जो प्लेसमेंट है वो है आपका IITs का। तो एक बार आपको IIT में आपको एडमिशन मिल जाए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आपका करियर एकदम बहुत अच्छा बन जाता है, और उसके बाद बाहर जाने का स्कोप भी बहुत अच्छा है। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको प्लेसमेंट्स के लिए आपको ऑफर करती हैं, जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद इंटेल कॉर्पोरेशन हो गया, इंटेक्स हो गया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, क्वालकॉम हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, NXP हो गया, वेस्टर्न डिजिटल, तोशिबा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में प्लेसमेंट्स करती हैं, और बहुत सारे बच्चों को जो है इनके यहाँ पर इंडिया में इनके इनकी कंपनीज़ हैं और ब्रांचेज़ हैं, और उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की भी। अगर मैं बात करूँ पैकेज की, तो 30 लाख तो मिनिमम इंडिया में पैकेज मिल जाता है, और अगर आप बाहर की बात करें तो 1 करोड़ अबव आपको पैकेज आराम से मिल जाता है, एक अच्छी डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो जहाँ तक पैकेज की बात हो गई, करियर की बात हो गई, 2 साल का एक कोर्स जो एमटेक आप करना होता है आप लोगों को, और उसके बाद एक अच्छा करियर बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप जानना चाहते हैं तो अपना कोर्स लिखिए, आप जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं आपको उसका वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।